अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा ब्लॉग होने वाला है सारी ज़ियारतों का। अब हम जाएंगे सारी ज़ियारतों को। फजर की नमाज पढ़कर आकर थोड़ा सा रेस्ट किया, अब फ्रेश होने जा रहा हूँ। फ्रेश होकर मैं अब रेडी होऊंगा। मैंने कल नया चुब्बा लिया था, वो नया चुब्बा पहनूंगा। अब हम जाएंगे फिर सारी ज़ियारतों को। तो व्लॉग में एंड तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि इस व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सारा कैसे फैला हुआ है, सब कुछ फैला हुआ पूरा। ये चुब्बा ये पहनूंगा अब मैं, सारा सब कुछ फैला हुआ है। मेरा बेड आ गया, ये पापा का बेड आ गया, पापा ने यहीं पे अपने बैग रख दिया सब। अब बस जल्दी से रेडी होते हैं, शायद लेने जा रहा हूँ मैं, और फिर ज़ियारत को चलते हैं, क्योंकि फिर बस निकल जाएगी वरना। तो ये हो गए हम रेडी, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ। अभी मैं सिर पर वो बांधूंगा जो भी कहते हैं उसे, नाम भूल गया। तकबीर अल्लाहू अकबर। बॉडी वॉडी का पंप भी कम हो गया है। सो रेडी हो चुके हैं अब हम, रेडी हो चुके हैं अब हम रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई नजर से बचाया मुझे, अल्लाह नजर से बचाना। सेल्फ ऑब्सेशन की हद कर दिया आज मैंने। सब नीचे आ गए हैं और जा रहे हैं। वैसे ही हमारा होटल था, अगर आपने मैं दिखाना भूल गया हूँ तो ये होटल या रिसेप्शन है, ये कैफे है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। जा रहे हैं, थोड़ी गर्मी है, वेदर वगैरह सही है बिल्कुल, और सब लोग बैठे हुए हैं, जा रहे हैं। सारे लोग इधर ही देख रहे हैं कौन ही इतना स्मार्ट सा आ गए हैं यहाँ पर। मजाक कर रहा हूँ वैसे। तो अब जा रहे हैं, उधर बस होगी, वहाँ से बस लेंगे और फिर जाएंगे घर को। तो ये आ चुके हैं बस पर, ये रही हमारी बस, और ये सारे हाजी हैं, और अब जाएंगे अंदर फिर सारा के लिए निकलेंगे। ये तारिक भाई हैं, खाना खिला देते हैं हमें अच्छा अच्छा। ये शर्माते बहुत एक कैमरा शायद पर सा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लग रहा है जैसा कि कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं, और वो गार के सामने खड़े होकर हमको देखे। इबलीस और जो है यहाँ पर हम आए हैं, और यहाँ पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में गार खड़े थे, तो उन्होंने यहाँ पर हराम करवाया था, तो उस पर उन्होंने जाना बोला था अल्लाह ताला के हुक्म से, और उनकी जान बची जब उनको पता चला कि नहीं पा रहे हैं अल्लाह को कौन का नगरी में जाना बता बनाया लेके दिए। तो सरकार से देख कर चले गए थे, दो तीन दिन तक यहाँ पर नदी पास अल्लाह वसलम रहता है, आराम करवाया था। यहाँ पर जाने के लिए जब तक तो ढाई या तीन दिन का लगता है, और टैक्सी पे जाया जाता है, बस वाले मिल जाते हैं। हम इंशाल्लाह देख कर ट्राई करते हैं जाने का। देखिए पहाड़ी है, देखिए पहाड़ी है, और ये हमारा टूर्स है, एमा टूर्स, जिससे हम आए हैं। बहुत अच्छा टूर्स है, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई भी परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, बट हाँ ये बहुत अच्छा है। देख लिया, अगर आपको भी उमरा करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर नंबर पर। और ये अमान भाई हैं, ये अमान भाई ओनर हैं इसके, एमा टूर्स के, तो उनको कॉन्टेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको उमरा बहुत उमरा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम आए मस्जिद निमरा पर, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम दो रकात नमाज नफिल। ये यहाँ पर पानी नहीं होता, तो हम अभी पानी खरीदेंगे, तो उससे वजू करेंगे, पानी खरीद से पानी खरीद कर, और दो रकात नमाज नफिल पढ़ा रहे। हमने अभी दो रकात नमाज सारी है, और गुजारा कराम के लिए सब पूरा अराफात का मैदान है, जैसे देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा मैदान है। आज के टाइम पर 25-30 लाख लोग यहाँ पर आते हैं, ये पूरा देख लगाए जाते हैं, टेंट लगाए जाते हैं, और टेंटों में आकर क्याम किया जा करते हैं, और दुआएं इल्तिजा मुनाजात करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको भी इसी साल हज बनाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको बार बार हज उम्र की शहादत अता फरमाए, और आज हमारा यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सो वहाँ से नफिल पढ़कर आ गए हैं हम जबले रहमत की तरफ। यहाँ पे दुआ करेंगे, यहाँ पे सुन्नत है दुआ करना, काफ़ी ज़्यादा अम्बियाओं से ऐसा बताया मौलवी साहब ने,
ग्रुप जा रहा है ये उम्रे का। और ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर जो एक बार आता है लब्बैक पड़ता है वो इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा यहाँ पर आता है और हज के लिए उम्रा के लिए यहाँ ज़रूर आता है। यह अराफात का मैदान लेके है, पूरा अराफात के मैदान में ही आता है ये। तो ये है जबले रहमत, जैसे कि लास्ट ईयर मैंने आपको ब्लॉग पे दिखाया अभी था। दुआ करना असल चीज़ है, ठीक है। अब दुआ उम्र बना दिया है और वो एक पहाड़ी भी रहेगी बाकी और उसका निशानी भी बाकी रहेगी, ठीक है जी। तो ये है जबले रहमत, यहाँ पर सबसे पहले पहली बार आदम अलैहि सलाम की दुआ नीचे कबूल हुई थी। तो ऊपर जाएंगे नहीं हम क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतना चढ़ा नहीं जाएगा, और क्योंकि पापा भी हैं साथ में तो नीचे ही रहकर दुआ करेंगे। और नीचे रह के दुआ हुई थी। अब कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर, उस जगह जाकर वो दिख रहा है आपको बड़ा सा पत्थर, वहाँ जाकर लोग लिखते हैं पेन से अपनी फिंगर से कि ये दुआ हो जाए, वो सब शिर्क है। तो ये शिर्क काम नहीं करना चाहिए, मैं सभी लोगों से यही कहूँगा। तो हम बस यहाँ पर रहकर दुआ करेंगे। और हाँ, नबी पाक ने हमारे ऊपर वहाँ पर सबसे अपना खुतबा भी दिया था। तो अब यहीं पर आगे जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर दुआ करेंगे। और यहाँ पे लोग बिछड़ बहुत जाते हैं, देखिए कितनी मतलब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी गर्मी होने के बाद भी फिर भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। यहाँ पर हो चुकी है, आप जा रहे हैं, आप किधर जाएंगे भाई? अमान भाई हम जाएंगे मस्जिद जराना। कौन सी मस्जिद? जराना। मस्जिद जराना। माशाल्लाह अमान भाई जो है ये पहला मैंने ऐसा देखा है एजेंसी का मालिक जो मतलब भाई बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, बिल्कुल हंसते रहते हैं, चुप। इनको कुछ भी कह लो, इनको कोई कुछ भी कह लो, ये चुप बिल्कुल रहते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने इनको इतना सब्र दिया, लेकिन भाई बंदे बहुत बढ़िया हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छे लगे, एकदम हम्बल है। उसके बाद आपने नमाजें भी वहीं पर पढ़ी और बाद में क्या कर लिया, उसी जगह पर मस्जिद बना दी। और उस मस्जिद का जिक्र भी कुरान पाक में आया और उस मस्जिद का जिक्र कुरान पाक में उसके नाम के साथ। अल्लाह फरमाता है कि हमने इस मस्जिद के इर्द गिर्द क्या रखी है, बरकात रखी है। और क्या है मस्जिद का नाम? मस्जिद मशारुल हराम। सीधे हाथ की जानिब देखिएगा आपको आ रही है, लेकिन ये भी सारा साल बंद, हज के मौके पर खोली जाती है। और ये दो मीनार पर मुश्तमिल मस्जिद, मस्जिद मशारुल हराम। सीधे आते हैं, जान देख रहे हैं आपको सामने आ रही है, बाहर बेन तख्ती और बोर्ड लगा हुआ, नाम लिखा हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको मुज़दलिफा में भी आने की 10 ज़िलहज्जा की रात यहाँ क़याम करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज और जिस तरह हमें आने की तौफीक अता फरमाए, हज पर भी आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस मीना के अंदर भी वो मकाम जिसको हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो व सलाम को बार बार ख्वाब आया करती थी, क्या इब्राहिम मेरी राह में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तो हज के मुकाम पर यहाँ पर जो है रुकते हैं इन टेंट में, खेमों के। ये देखिए वो छोटी सी पहाड़ी है, वो ऊपर व्हाइट कलर का निशान बना हुआ है उसके अंदर, उसके अंदर छोटा सा सुराख है। कहा इस जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम अपने लख्त जिगर हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को यहाँ पर लाकर ज़िबह करना चाहते हैं। इस जगह पर जगह उनके बेटे के और जब ये शयातीन को ये कुर्बानी किसकी सुन्नत है? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम। 70 अंबिया अकरम ने नमाज अदा फरमाई, 70 अंबिया अकरम इसी मस्जिद में मौजूद है। और आगे थोड़ा सा इधर देखिए मेरी तरफ, अब आगे वो देखिए ऊपर छतरी अम्ब्रेला बना हुआ है, व्हाइट कलर के पिलर लगे हुए हैं ऊपर, सबसे ऊपर लेंटरों के ऊपर नजर आ रहा है ना, इस छतरी के नीचे छोटा शैतान है, छोटा जमरा है जिसका नाम जमरा सुगरा कहा जाता है। और नीचे देखें वो पोर्शन बने हुए हैं, कुछ ऊपर जाकर कपड़ मारे जाते हैं, वो उसके ये तीन चार पोर्शन है, इन तीनों चारों पोर्शन में कुछ हाजी ककर मार कर आगे से घूम कर वापस इन्हीं खेमों में आते हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं। तो जस्ट अभी आए मस्जिद जुलाना और यहाँ से अहराम बांधा जाता है उम्रा के लिए, यहाँ से बांध कर जाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे तादाद लोगों की कितनी ठेर है माशाल्लाह, इतनी गर्मी में होने के बावजूद ये आप कह सकते हैं नींबू पानी या कुछ और, इसका टेस्ट बस सो है, ज़्यादा खास नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो इसी तरह हमारा पूरा जो ज़्यादा थी सारी पूरी हो गई हमारे भाइयों के साथ, तो अमान भाई के थ्रू हमने ये पैकेज लिया था जो कि बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे साथ अब्दुल फरीद मलिक भाई भी गए और भाई भी हमारे साथ गए और पापा उधर हैं। तो कैसा मज़ा आया आप लोगों को?
हम लोग को तो मजा आता ही रहता है। आप तो माशाल्लाह यहीं पर रहते हैं, भाई से तो पूछना ही नहीं, भाई तो माशाल्लाह एक एक कोना जानते हैं पूरे सऊदी का। और बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हैं भाई, और भाई से भी मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मिले। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।